हेलो प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2022 का, जो बांदा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। इसमें कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इस समस्याओं को हम मद्देनज़र रखते हुए ये आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दिया। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पासवर्ड जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आया था, उस वक्त तो आया था, यदि बाई द वे गलती से आपसे डिलीट हो गया या फ़ोन रीसेट हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ भी एक्सेट्रा हो गया, तो उस पासवर्ड को रीसेट कैसे करेंगे। क्लियर? तो आज के इस सेशन में हम लोग यही बात करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अपने खुद फ़ोन से गूगल क्रोम में सर्च करना है यूपी कैटेट एग्ज़ाम डॉट ORG या सर्च कीजिए, या फिर ऐसे यूपी कैटेट एग्ज़ाम भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी यूपी कैटेट एग्ज़ाम डेट यूपी कैटेट 2022 आ गया। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, बांदा यूनिवर्सिटी के नाम का लोगो आ रहा है और कंडक्ट इसी ने किया है, तो इसके वजह से इन्हीं का लोगो आएगा। इस वक्त इन्हीं का नंबर है बांदा यूनिवर्सिटी का। अगली बार आपका नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में जो स्थित है, उसका नंबर है एग्जामिनेशन कराने की, और काउंसलिंग पूरी प्रोसेस उसकी है। फिर उसके अगले वर्ष मतलब 2024 में आपका, 2022 में बांदा कराया, 23 में आपका NDUT कराएगा, और 2024 में आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर कंडक्ट करेगा। यहाँ पर आप देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप इसको हमेशा प्रॉपर, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट आता है इस पे आप खुद चेक करते रहिए, आप किसी के भरोसे मत रहिए। मैं तो खैर, मान लीजिए यूपी कैडेट का स्टूडेंट हूँ, आपके CSE यूनिवर्सिटी का ही पास आउट हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई ऐसा गलत न्यूज़ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पूरी संपूर्ण जानकारी इसके विषय में है। तो यूपी कैडेट में एक तो पहला ऑप्शन है, यहीं से आप डायरेक्ट देख सकते हैं अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसकी पूर्ण संपूर्ण जानकारी इस वीडियो, इसके PDF में मिल जाएगी। और यहाँ से सूचना विवरणिका होती है जिसको ब्रोच्योर कहते हैं, इसको आप डाउनलोड करके पूरा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। गहन अध्ययन करने के बाद भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने कर दिया है, और फिर लॉगिन के समय आपका पासवर्ड भूल गए हैं या फिर अन्य समस्याएं हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे दिया है लेटेस्ट अपडेट, तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड, यूजर ID और कैसे अप्लाई करें, पूरा डिटेल में दिया है। तो व्यू ऑल पर आप क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। चलिए हम क्लिक करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड पे। तो यहाँ पर देखिए, फॉरगॉट पासवर्ड पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आपको एक वेब एप्लीकेशन एक्सटर्नल ओपन होगा, ये आपका यूपी कैडेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये लीव हो जाएगी। तो इस पर हम देख सकते हैं, ये अभी आपका ब्लॉक दिखा रहा है। तो चलिए हम यहाँ से पहले कर लेते हैं, इसके पहले लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे पॉपअप ब्लॉक दिखा रहा है। अब ये फॉन्ट आपका ओपन हो चुका लॉगिन वाला, तो यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम आपका कौन सा है आप देख सकते हैं, UG PG या PhD, यहाँ से जो भी आपका प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए आपका UG का प्रोग्राम है, UG में आपने, तो PAG मतलब एग्रीकल्चर, PCB मतलब बायोलॉजी वाले ग्रुप के स्टूडेंट, और PCM का मतलब मैथ वाले कैटेगरी के स्टूडेंट, और PHS होम साइंस वाले स्टूडेंट। क्लियर?
इस पे आप अपना क्लिक कर लीजिएगा। सपोज कीजिए आप पीएजी से हैं तो पीएजी अपना भर लीजिएगा, देन यूजर आईडी पता है तो ठीक, अन्यथा आपको यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर का। रजिस्ट्रेशन नंबर के दौरान आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सही से भरिएगा, पासवर्ड भरिएगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सिक्योरिटी पिन देन भरने के बाद साइन इन कर सकते हैं यदि आपका पूरा कंप्लीट है तो। चलिए यदि आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड, मेरा मेन मोटो यही था कि पासवर्ड भूल जाने के उपरांत आप कैसे क्या करेंगे, तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है और प्रोग्राम पर क्लिक करना है, आपका यूजी पीजी पीएचडी है जो भी है, यूजी पर हम करते हैं क्लिक और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपलोड करना है, मतलब इसमें फिल करना है ये इसके दौरान, और वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने पिछले रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म फिल किया था, और डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर, दिन, सिक्योरिटी पिन भरने के उपरांत आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, उसमें आपका दिया होगा रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड दिया होगा, वो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बाकी आगे की जो अपडेट्स होंगी या समस्याएं होंगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज का सेशन यहीं पर करते हैं समाप्त, थैंक यू।